हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको दो ऐसे स्कैरी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। रेडिट यूजर नेम हाई स्ट्रेंजनेस द्वारा यह वीडियो 5 अप्रैल 2023 को अपलोड किया गया है। इस वीडियो को कूस बे ओरेगोन में रिकॉर्ड किया गया है। यह वीडियो में आप देखेंगे, कुछ शिकारी जंगल में जानवरों की तलाश कर रहे थे, लेकिन जानवरों की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे आप अब इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम सब मिलकर देखते हैं। वीडियो में आपने देखा उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? यह वीडियो दिन के समय में लिया गया है। शिकारियों को अचानक यह क्या दिखा? यह वस्तु कैमरे से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इसे इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा जा सकता कि यह ऑब्जेक्ट है क्या। कुछ लोगों का मानना है कि यह ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एलियन UFO है। बाकी अब आप कमेंट में बताएं। अब चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। घोस्ट 23 यूट्यूब चैनल से थंडर आइडल हैं, जो जंगल में एक सुदूर झरने का पता लगाने के लिए निकलते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह झरना एक प्रेतवादित आत्मा से घिरा हुआ है, जिसे एनकैंटो के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक प्राणी है जो मानव रूप में प्रकट होने की क्षमता रखता है। आइडल पूरी तरह से अकेले हैं, क्योंकि वह बिना कुछ लिए झरने पर चढ़ने के लिए हैं। लेकिन कैमरे में सूर्य तेजी से डूब रहा है और बहुत कम दिन का उजाला बचा है। आगे वीडियो में देखते हैं क्या होता है। Sino ba kayo? Hello? Sino yung nagpapakita dito? वीडियो में आपने देखा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई व्यक्ति झरने की फुटेज को रिकॉर्ड होते हुए चुपचाप देख रहा है और अचानक गायब हो जाता है। आइडल कहते हैं कि वह किस रास्ते से कहां गया होगा। नीचे गिरता हुआ झरने का पानी और ऊपर अकल्पनीय चट्टान है। ऐसा लगता है जैसे वह पहाड़ों के आसपास के झरनों में कहीं चला गया होगा। तो क्या यह एनकैंटो हो सकता है? लेकिन कहा जाता है कि यह झरने पर दिखाई देता है। यह क्या है, कुछ और है? बाकी आप कमेंट में बताएं आपको क्या यह क्या लगा।